बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मैजिकल एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी आप कर पाए ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जो है शाव मैनिफेस्टेशन टेक्निक या रिचुअल, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, जो आपको हर रोज़ करना है। ठीक है, देखिए सब लोग रोज़ नहाते हैं, गर्मी का मौसम है तो कुछ लोग 2 बार 3 बार भी नहाते हैं दिन में, तो आपको ये जो टेक्निक है वो शावर लेते समय करनी है। ओके, सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पानी होता है, पानी के अंदर वो मेमोरी पावर होता है जो एनर्जी को रिकॉर्ड करता है, राइट? तो एक तो आपको ये पानी का पावर जो है उसका इसमें यूज करना होगा, प्लस खुद की एनर्जी उसको आपको इसमें क्या करनी होगी, रिकॉर्ड करवानी है। मतलब कि अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको रिलीज करनी है एट टेकिंग शावर। ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है और अच्छा फील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप शावर ले रहे हो तो पानी आ रहा है ना आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस पे, यू नो, आपके ऊपर पानी आ रहा है, तो यू हैव टू फील लाइक, यू हैव टू अज्यूम लाइक के ये पानी है ना वो मैजिकल वाटर है। ठीक है, और ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की जो आपके ऊपर बरस रही है, राइट? इस तरह से फील करना है। ठीक है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, लेकिन ये आपको फील करना है कि यस, ये ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे ऊपर, ये पानी है वो मैजिक है यूनिवर्स का जो मेरे ऊपर आ रहा है और ये मेरे अंदर तक जा रहा है, और अंदर जाके ये मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी को क्या कर रहा है, वॉश ऑफ कर रहा है। ठीक है, साफ कर रहा है अंदर जो भी यू नो डाउट्स हैं, जो भी जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, जब नेगेटिव इमोशंस, कुछ भी अनवांटेड, वो सब कुछ क्या कर हो रहा है, साफ हो रहा है, धुल रहा है सब कुछ, ऐसा फील करना है। ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आपको अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना है, तो आप सिंपली फील कीजिए कि जो ये शावर का पानी आ रहा है ना आपके फेस पे पड़ रहा है, तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये मेरे पिंपल्स को हील कर रहा है। जब जब ये पानी टच हो रहा है मेरे फेस के ऊपर, तो मेरे पिंपल्स हील हो रहे हैं, वो मैजिक अंदर जा रहा है मेरे फेस में, मेरी स्किन के अंदर जा रहा है। इस तरह से आपको फील करना है, राइट? दिस इज सुपर अमेजिंगली पावरफुल। बेसिकली गाइस, ये जो रिचुअल है वो आपके एटीट्यूड को, आपके माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एट दी एंड किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, राइट? तो इनडायरेक्टली ये आपके डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कितना ईजी है, फुल प्राइवेसी मिलेगी आपको, प्लस आप जितना टाइम इसको कर पाना चाहते, मतलब करना चाहते हो, आप उसको कर पाएंगे, राइट? वैसे 5 से 10 मिनट या 3 से 4 मिनट, दैट इज इनफ। इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा कोई आपको ध्यान नहीं लगाना है, सिंपली आपको अच्छा फील करना है, और ज़्यादा ये सोचना भी नहीं कि मैंने कितना परसेंट दिया, मैंने कितना फील किया, मुझे क्या हुआ, मैंने अच्छे से किया, कुछ भी नहीं। जैसे कर पाओ, जैसे हो, करो, कुछ ना कुछ असर होगा और धीरे धीरे वो ज़्यादा मैग्निफिशेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, जब भी शावर लो वो पानी को इस तरह से एनर्जाइज करो। ठीक है, जो भी अच्छा फील करोगे ना, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने स्किन का एग्जांपल दिया, वैसे आप कुछ भी जो आपका डिज़ायर है वो आप ले सकते हो। सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि ये जो पानी है वो ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स मेरे ऊपर बरसा रही है, और मेरा ये जो डिज़ायर है ड्रीम जॉब पाने का, मैं अब और भी ज़्यादा अच्छे से उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, एंड सारी जो नेगेटिविटी मेरे अंदर है वो अब सब कुछ निकल रही है। तो इसका मतलब ये कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज सब कुछ अंदर से होता है ना, वाइब्रेशनल जो चीज़ें होती है, तो आपके वाइब्रेशन सुपर स्ट्रांग हो रहे हैं, जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जो भी अनवॉन्टेड इमोशंस है, वो सब कुछ साफ हो रहे हैं, वो सब कुछ धुल रहे हैं, एंड मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव पर्सन बनती जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है, इट कैन बी वेरी पावरफुल, एंड आप अगर इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपका माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, कि आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ भी आएगी ना, तो आप उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, एंड बहुत ही ईजिली आप अपने आप को अलाइनमेंट में रख पाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, राइट? तो ये शावर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना इसमें फ़ायदा हुआ है, आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हो, डेफिनेटली आपके सारे डिज़ायर्स भी पूरे कर सकती है ये टेक्निक या ये रिचुअल। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो
तब तक के लिए keep going with the law of attraction, stay happy, stay blessed, and good vibes to God.